Hello friends, welcome all of NPS Czech study. Here will be discussed as this previous year question paper of SP, that is SP TGT non-medical, that is GK section. Here will be discussed. Please watch till the end of the video. Please like, share and subscribe for next update. Friends, first question. Which district headquarter is located at which lowest altitude? तो सबसे निम्न तुंगता पर हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यालय है वो बिलासपुर जिला है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंद्राशन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, इंद्राशन जो है वो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू जिले में स्थित है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124. फ्रेंड्स, लालुनी जोत जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लालुनी जोत लाहौल स्पीति से रिलेटेड है. लालुनी लाहौल. एंड कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड. तो कालिका कुंड फ्रेंड्स चंबा जिले में है. दैट इज एनालिटिकल क्वेश्चन. इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड एट दिस मंडी? फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह जो मंडी में आए थे तब उन्होंने यात्रा की थी. नन ऑफ दिस. ठीक है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आर इनकोरेक्ट. फ्रेंड्स, उन्होंने 1686 में जो थी वो मंडी की यात्रा की थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? फ्रेंड्स, बिलासपुर का एक आंदोलन है और वो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जुग्गा आंदोलन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वाज. फ्रेंड्स, नालागढ़ का पुराना नाम जो था वो इनमें से कोई भी नहीं है. दैट इज द करेक्ट आंसर इज हिंडोर. ठीक है, नालागढ़ का पुराना नाम जो था वो हिंडोर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1965 में मास्टर क्राफ्ट में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम क्या था? ठीक है, मास्टर जो क्राफ्टमैन होता है एज रिलेटेड टू दिस क्राफ्टमैन इन 1965, दैट इज महेश सी देवी. ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि महेश सी देवी किस जिले से संबंधित हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130. दैट इज डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? डिक्की डोलमा फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू जिले से संबंधित हैं. ठीक है, और ये जो थे वो माउंट एवरेस्ट के लिए इनको पुरस्कार मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131. हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त कौन था? फ्रेंड्स, दैट इज वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, बट इन दिस फेस एज दिस आंसर की ऑफ दिस एच बी पी एस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जे एन वेनर्जी. फ्रेंड्स, आई विल सुगेस्ट टू यू, प्लीज इस क्वेश्चन को जो है वो एक बार चेक कर लीजिएगा. इन माई साइट दैट इज एच एस ठाकुर जो थे वो न्यायिक आयुक्त थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी नहीं है. एज दैट जो सीटें हैं वो 10 सीटें हैं. ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं. राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार
प्रशिक्षण संस्थान जो है वो फ्रेंड्स मशोबरा है। कमेंट करके जरूर बताएं कि मशोबरा कहाँ पर स्थित है। एंड 134 क्वेश्चन, कोल बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज सतलुज नदी पर। ठीक है, सतलुज नदी का वैदिक नाम जो था वो सुंदरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन ऑफ माय वीडियो। बुराह नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स, बुराह नृत्य जो है वो सिरमौर जिले में किया जाता है। एंड दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HPPSC, HPSSC एंड ऑल HPG के सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, डेली जीके वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।